ये भी सड़क ढह गई थी पूरी। मेरी मानोगे तो बिल्कुल मत आओ, नो वे। सो वी आर चेकिंग आउट अर्ली, सुबह सुबह निकल रहे हैं, बैग्स आर पैक्ड, हार्दिक भी रेडी हो गया फाइनली। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम रुद्रपुर रुके थे लास्ट नाइट, जैसे कि आपने देखा होगा, और अब हम निकल रहे हैं मुंशियारी के लिए। डिस्टेंस है यहाँ से 350 किलोमीटर अप्रॉक्स। शाम को ETA दिखा रहा है अराउंड 6 बजे तक हम पहुँचेंगे, बट अगर पॉसिबली मैं रात हो गई, मतलब हम नहीं पहुँच पाए टाइम पर, तो कोशिश करेंगे कि बीच में एक हॉल्ट ले लें, उसके बाद अगले दिन सुबह जाएँ। होटल वाले से मैं बात करूंगा क्योंकि मैंने बुकिंग करा दी थी। सो, अब दिक्कत यह है कि हम हो गए थोड़ा लेट उठने में, मतलब 7:30 बज रहे हैं। हमने सोचा था कि हम 5:30-6 बजे निकल जाएंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि हार्दिक भी लेट उठा और मैं तो देखो काम कर रहा था, तो मेरा तो देखो बनता ही है। बाकी मैं थोड़ा कम सोया हूँ, तो हार्दिक पहले गाड़ी चलाएगा और मैं आराम करूँगा। और ये प्रॉपर्टी है यार जहाँ हम स्टे कर रहे थे, होटल उदय रेजिडेंसी। काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इनके पास पार्किंग का। आई एम श्योर ये वेडिंग्स वगैरह के लिए भी या पार्टीज़ वगैरह के लिए भी यूज़ होती होगी। फ़िलहाल गाड़ी हीटअप हो रही है। हीटअप इन सेंस हम गर्म कर रहे हैं, इंजन ठंडा हो जाता है ना ठंड में यार, ऐसा नहीं वो वाला हिमाचल सोलो वाला कांड नहीं हुआ है अभी। तो अभी फ़िलहाल सब कुछ सही चल रहा है, आगे ट्रिप शुरू करते हैं और 350 किलोमीटर कवर करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो बीच में हॉल्ट ले लें। हार्दिक की वेट हो रही है जी, ये देखो। हाँ भाई, आईफोन चमका रहे हो है बेटे? भाई आईफोन चमकाने के लिए लिया जाता है। और जी, कईयों के मन में सवाल होता होगा कि यार डेली व्लॉग्स इतनी जल्दी डाल देता है भाई, लेकिन ट्रिप पे जब जाता है फिर आने के बाद भी इतना टाइम लेते हैं, तो उसका एक रीज़न मैं आपको आज बताता हूँ। देखो, एक ये कैमरा है जिससे हम रिकॉर्ड करते हैं, एक ये कैमरा ऐड ऑन हुआ है हमारा, मतलब ये फ़ोन का कैमरा यूज़ कर रहे हैं हम आजकल, और ड्रोन भी यूज़ होता है। प्लस अगर शॉट्स हमने काफ़ी ज़्यादा सेलेक्टिव डालने पड़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि यार क्लिंच ना हो बीच में, मतलब फ्लो में चले, तो इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। तो इसीलिए जो ट्रिप वाले व्लॉग्स हैं वो ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं एडिट होने में। रोड ट्रिप्स तो मुझे वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन जो एक खटास है ना रोड ट्रिप में, वो सिंगल लेन हाईवे में आती है। अब ये देख रहे हो ट्रक वाले को, मतलब ये क्या बात है, मतलब कट के पास आके कोई कट नहीं लेगा, नहीं पहले ही दूसरी लेन में आ जाएंगे ताकि सामने वाले को परेशानी हो जाए। हमने जल्द से जल्द प्लेन्स कवर करने ताकि हम हिली एरियाज में जल्दी टच कर पाए और आपको खूबसूरत नज़ारे दिखा पाए। प्लेन्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं, टनकपुर पहुंच गए हम, और सामने देख ही रहे होगे आप माउंटेन रेंज दिख रही है। और जैसे हिमाचल की तरफ जाते हैं ना यार, तो पीक्स छोटी छोटी दिखती हैं फिर बड़ी होती जाती हैं जितना आप अंदर घुसते जाते हो, लेकिन उत्तराखंड में भाई जैसे ही प्लेन्स ख़त्म हुए हैं सामने इतनी बड़ी माउंटेन रेंज, मज़ा आ गया यार। चढ़ाई चढ़नी शुरू कर दी हमने, और मानना पड़ेगा यार उत्तराखंड टूरिज्म, मतलब रोड इतने प्यारे बना दिए इन्होंने, मतलब पहले मैंने भी सुना है कि यार कभी कभी सिंगल होता था रोड यहाँ पे, और देखो कितना वेल मेंटेन्ड है यार।
हिमाचल की लोग तारीफ़ करते हैं, कश्मीर की लोग तारीफ़ करते हैं, उनके भी अलग अलग चाम हैं, लेकिन देखो उत्तराखंड भी कम नहीं है। अब ये नज़ारा देख रहे हो सामने, अब धूप की वजह से मुझे नहीं पता लग आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, लेकिन ये माउंटेन रेंज है, ये नीचे बादल आ रखे हैं और वो सामने नीचे नदी बह रही है, मतलब पूरा कॉम्बिनेशन है। हिमाचल, उत्तराखंड, आप कंपेयर नहीं कर सकते, हर एक का अलग अलग चार्म है, तो यार सुंदरता के मामले में तो कोई भी कम नहीं है। तो जी अगर आप लोगों को याद हो तो बीच में उत्तराखंड में काफी बारिश हुई थी और जिससे सड़क वगैरह ढह गई थी, ये देखो ये उसका एक एग्जांपल है, और ऐसे कई स्पॉट्स हैं जहाँ पे हमने ये देखा। बारिशों में तो पहाड़ों पे आना अवॉइड ही करो, बारिशों में मत आया करो यार, अगर कोई भी प्लान बनाता है तो भाई थोड़ा सोच समझ के बनाए, बारिशों में मत आओ, बाकी तो कोई नहीं। ये देखो ये सारा जो ढह गया था ना टूट के, वही सब है, देखो लैंडस्लाइड पूरी, ये भी सड़क ढह गई थी पूरी। मत आओ भाई बारिशों में, बिल्कुल मत आओ, मेरी मानोगे तो बिल्कुल मत आओ, नो वे। मैं गाड़ी से ही दिखा रहा था आप लोगों को, रुक नहीं रहा था, बट जब इसको देखा जो ये रोड धसी है, मतलब खिसक गई थी यहाँ से, जब बारिश का टाइम आया था, बीच में काफ़ी बारिश हुई थी, कुमाऊँ रीजन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था, और ये देखो गाइस, मतलब ये रोड इतनी चौड़ी होगी और कहाँ यार। तभी मैं कह रहा था बारिशों में पहाड़ों पे नो वे। तो जी उत्तराखंड में मैं जिस जगह जा रहा हूँ, मुंशियारी, अब उसकी एक झलक दिखाता हूँ मैं आपको कि वहाँ से ऐसा क्या दिखता है जो इतना फेमस है वो। ये देखो गाइस, और ये रेंज जब मुंशियारी हो गया आप, तो पूरी रेंज आपको दिखेगी कंप्लीट वाइट। तो आप सोच सकते हो, मतलब मैं इस ट्रिप के लिए, मुंशियारी के लिए हमेशा से एक्साइटेड था, मैं हमेशा अपने दोस्तों को कहता था कि यार चलते हैं मुंशियारी, बहुत सही है, बहुत सही एपिक व्यू आता है वहाँ से, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, तो भैया बात ऐसी है हमने टाइम निकाल लिया और हम ट्रिप पे निकल लिए और यहाँ आ गए। तो जी नज़ारों के मज़े तो पूरी तरह आ रहे हैं, बढ़िया आ रहे हैं, लेकिन जो मेरे साथ हो रहा है ना आज, मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा बदला लिया जा रहा है मेरे साथ। ये आदमी तब से गाड़ी चला रहा है और जो कटिंग मार रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको भाई, मैंने ऐसे आज तक इसके साथ नहीं किया होगा जैसा ये मेरे साथ कर रहा है। भाई तुम ऐसे चलाते हो, तुम आज साइड में बैठ रहे हो तब तुम्हें पैसा चल रहा है। फिर भी भाई ऐसे थोड़ी होता है, ऐसी किया जाएगा, कोई बात नहीं, आज तेरी बारी कल मेरी बारी। तो जी सीन अब कुछ ऐसा हो गया है कि मुंशियारी जाने के लिए तो हम हो गए हैं थोड़ा सा लेट, आज तो नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि रात हो जाएगी, अभी बज रहे हैं अराउंड 2:30 बज चुके हैं और पिथौरागढ़ भी नहीं पहुंचे हैं अभी, अभी भी हमें आधा पौना घंटा लगेगा। फिर हमने ये डिसाइड किया है कि पिथौरागढ़ रुकेंगे, बाकी एक मेरा फ्रेंड भी है उससे भी मैं मिल लूँगा, और जो लोकल आसपास है वो अगर टाइम हो पाएगा तो घुमा देगा हमें वो। हाँ तो जी फाइनली हम पहुंच गए हैं पिथौरागढ़, और
बिना किसी देरी के सबसे पहले आपको ड्रोन शॉट दिखाएंगे, पिथौरागढ़ शहर दिखाएंगे पूरा, और जो पंचाचोली का व्यू है वो आपको दिखाएंगे। आई होप ड्रोन शॉट आपको पसंद आया हो। कोशिश पूरी करी हमने सारा पिथौरागढ़ कैप्चर करने की, और साथ में पंचाचोली पीक्स भी आपने देखी होंगी पीछे। मतलब वो व्यू इतना शानदार है पिथौरागढ़ का कि मतलब खुद कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा आप लोगों को ड्रोन शॉट। और बाकी अभी मैं पिथौरागढ़ शहर में घुस गया था, दोस्त के यहाँ गया था, खाना वाना खाया उसके यहाँ, और उसके बाद फिर हम निकले हैं। एक दो साइट्स हैं यहाँ पे पिथौरागढ़ में जहाँ से व्यू बहुत ही शानदार है, तो एक हमने कवर कर ली, आपको ड्रोन शॉट दिखाया, अब दूसरी साइट पे जा रहे हैं। तो जब वहाँ पहुँचते हैं फिर वहाँ भी आपको दिखाते हैं क्या नज़ारे हैं। ये सामने अगर आप देख पा रहे हो, ये सारी हिमालयन पीक्स हैं, पूरी हिमालयन रेंज, जिसमें ये पंचाचोली है, पांच पीक्स हैं ये एक साथ, और वो पिंडारी ग्लेशियर है सामने, वो जो पीक दिखती है आपको। और शहर का व्यू तो बहुत ही ज़्यादा शानदार है यार इस पॉइंट से। मैंने आपको कहा था एक व्यू पॉइंट पे लेके आऊँगा मैं दूसरे, जहाँ से दूसरी तरफ से शहर दिखाऊँगा आपको पूरा। देखो कितना सुंदर लग रहा पिथौरागढ़ इतनी हाइट से।